अगर देख लो, मानो सचिन है और मैंने क्या बोला, पंडित जी हैं, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट, बिकॉज ऑफ देयर सेम पोलरिटी. लेकिन अब पंडित जी की जगह पे अगर कैटरीना कैफ आ जाए, क्या करेगा सचिन? इसको अट्रैक्ट कर लेगा. क्या स्माइल है भाई. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की पोलरिटी क्या है, चेंज है, डिफरेंट है. तो ये भी क्या होता है, मैग्नेट में भी पोलरिटी इज सेम, देन दे विल रिपेल ईच अदर. दैट मींस नॉर्थ पोल विल रिपेल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल रिपेल साउथ पोल. इफ द पोलरिटीज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट साउथ पोल एंड साउथ पोल विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल. इज इट क्लियर? यस सर. इसी कोई डाउट? सर सर एक क्वेश्चन पूछे हाँ बेटा पूछो. सर, अगर हम लोग किसी आयरन ऑब्जेक्ट को 2-3 दिन मैग्नेट के साथ छोड़ देते हैं और उसके बाद वो आयरन ऑब्जेक्ट कुछ में कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट गेन कर का, लेती है. यस, यस सर, कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्यों गेन होता कर है? लेती है. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को वो गेन कर लेती है. उतना ही नहीं, तुम किसी भी चीज को अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसी भी आयरन सब्सटेंस को तुम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो. देखो, इसको सिंपल इस भाषा में समझो, हम लोग बोलते हैं ना, जो जिस चीज के साथ रहता है उसकी संगति को गेन कर लेता है. यस सर, उसके यस सर, प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है. जो आयरन है वो किससे बना हुआ है, फ्रॉम द सॉरी जो मैग्नेट है वो किससे बना हुआ है, फ्रॉम द आयरन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. यस ऐसा सुनते होगे कि जो रेल रेल की जो ट्रेन आती जाती है, अगर हम क्वाइन को उसके नीचे रख देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता था. नहीं सुने सर, नहीं सुने, नहीं आज सुन सुने. ली. इसलिए जो घर है ना, घर जो है उस साइड बनाओ जहां पे खूब ट्रेन आती जाती हो. ठीक है, तब ना पता चलेगा जो क्या होता है नहीं होता है. सिंपल एक चीज जानो, मैग्नेट के बारे में और स्टडी करना है क्लास 10 में. ठीक है, अभी तक 11 में सर. आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है. इज इट क्लियर? समझ में आई ज्योति कुमारी? अब यस सर, सेकंड क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स मैग्नेट. देखो, इलेक्ट्रो मतलब, यहाँ इलेक्ट्रो मतलब किससे है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से. जब लोग एटम के कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, कि एटम इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. से. अब तो एक और क्वांटिटी ऐड हो गया जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन. क्या बोलते हैं उसको? पॉजिट्रॉन बोलते हैं. लेकिन आप लोग बस इतना याद रखो कि एटम इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज. राजीव सर इसी तरह पढ़ाते हैं ना. सर. हाँ, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज. और न्यूट्रॉन क्या होता है, N फॉर न्यूट्रॉन एंड फॉर नो चार्ज. नेगेटिव हाँ, नो चार्ज. चार्ज. न्यूट्रल यस, न्यूट्रॉन एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो चार्ज या एन फॉर न्यूट्रल.
यस सर। देखो क्लास में भी क्या होते हैं, बहुत ग्रुप होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं इस ग्रुप के साथ होते हैं, कुछ लोग इस ग्रुप के साथ होते हैं, कुछ क्या होते हैं बीच में होते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं, हाँ तुम भी सही हो तुम भी सही हो, जिधर अधिक नाश्ता मिलता है उधर अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करती है इलेक्ट्रिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि चार्ज के फ्लो पे ही करंट बोलते हैं, और चार्ज कहां से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव साइन किसको शो करता है, हाई पोटेंशियल को, नेगेटिव साइन लो पोटेंशियल को, चार्ज का फ्लो क्या होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, समझ में आ रहा पंडित जी? यस सर। तुम कुछ लिख रहे हो? यस सर वही लिख रहा है। लिख रहे हैं तो पहले समझ लो, लिखने के लिए मैं टाइम देता हूँ। अब देखो ऐसा कन्वेंशन है कि अगर चार्ज के फ्लो का अपोजिट फ्लो किसका होता है, करेंट, करेंट का, करेंट का फ्लो कहां से कहां होता है, ये हो गया चार्ज, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, करेंट का फ्लो क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मींस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, किसका, करेंट का फ्लो, और हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है, जिसके पास एक्सेस है, और जिसके पास डिफिशियंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। वाटर का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यस, मतलब अधिक हाइट से क्या होता है, लो हाइट में वाटर का फ्लो होता है। देखो ना लोग बोलते हैं ना वाटर बना करो, कि अपने अपना रास्ता अपना मंजिल खुद बनाते हुए तय करता है, है कि नहीं? यस सर। स्टूडेंट को भी क्या होना चाहिए, वाटर की तरह बिहेव करना चाहिए, अपने मंजिल को अपने रास्ते को खुद से बनाते हुए अपने एम्स को अचीव करना चाहिए। इज इट ओके? यस यस सर। तो ये बताओ कि ये जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, और जहां पे चार्ज का फ्लो होगा वहां पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, तो ये किसके में होता है, मेटल में, इज इट ओके? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं मैटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज इट ओके? समझ में आया? yes. इसमें क्या मैं बड़ा बता दिया, केमिस्ट्री में मेटल इज ए, मेटल इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मेटल क्या करता है, एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होगा, जब चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का खत्म होगा मेटल में होगा, इज इट ओके? यस सर। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, जहां पे करंट का फ्लो होता है। देखो एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में ये चार्ज क्या होते हैं, वो स्टैटिक होता है, नहीं करता, वो क्या होते हैं एस्टेटिक, एस्टेटिक मींस क्या होता है, रुका हुआ होते हैं, एस्टेटिक मींस क्या होता है, रुका हुआ, एट रेस्ट। तो जो इंसुलेटर होते हैं उसमें चार्ज क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे रुके हुए होते हैं,
मतलब क्या इसी पॉइंट के बाद सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं इस तरह से, yes, sir. उनका फ्लो नहीं होता है। तो देखो जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो तो उस समय जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या बोल रहे सर? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, स्टैटिक में होता है इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होता है, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके मीनिंग को देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस समझ में आया कि नहीं? यस। अब देखो कोई वुड का मटेरियल है, कोई पेपर है, टेल मी वुड और पेपर इज इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो सर। नो नो सर। Can we say that in wood or paper the charge will not flow? Yes, sir. अगर चार्ज का फ्लो होता तो क्या होता उसमें? करंट पास करता, प्रोड्यूस करंट पास करता, करंट प्रोड्यूस होता, ठीक है? तो अब है, वो बैड कंडक्टर है, उसमें क्या होते हैं? Yes, sir. चार्ज का फ्लो नहीं होता इसलिए करंट क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब क्या करो उसको आप रब करो अपने हेयर से, क्या होता है? वो चार्ज हो जाता है। यस सर, ये है सर। और जब चार्ज हो जाता है ये देखोगे वो क्या करता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अलाइन कर देता है अपने टुवर्ड्स। यस सर। तो इसी उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट क्लियर? Is it clear? So what can you say? Electric force is a force that is exerted by charged particle. Is it clear? Huh? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, देखो अगर तुम इस पेन के, जो पेन है ना, इसके पिछले से क्या करो, पेपर का टुकड़ा करो और उसको एक अटैच करो, पेपर के पास ले जाओ, लेकिन पेपर अटैच होगा, अट्रैक्ट होगा? नहीं, नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इसको रब कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, ये चीज क्या होंगे, चार्ज हो जाते हैं। Is it clear? Yes, sir. चार्ज हो जाने का मतलब क्या, या इसके पास पॉजिटिव क्वांटिटी अधिक आ जाते हैं या नेगेटिव क्वांटिटी अधिक आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं चार्ज होना, ठीक है? सर कितना देर रब करने के बाद चार्ज हो जाता होगा? अरे देखो ना कितना देर होता है, ये कोई क्वेश्चन है? ये डिपेंड करेगा कि कैसा आपका पेन पेंसिल है, क्यों नहीं हो रहा आपसे? सर होता है, देख रहे हैं। अभी मत, घर पे बाद में करना। सर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, करंट का फ्लो यस नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, चार्ज का पॉजिटिव से नेगेटिव, चार्ज के फ्लो का अपोजिट होता है। अब देखो जब चार्ज हुआ था अब या तो पॉजिटिव सरप्लस होगा या नेगेटिव का सरप्लस होगा। कोई भी चीज चार्ज कब होता है, जब उसके ऊपर क्या हो, या तो पॉजिटिव की सरप्लस हो या नेगेटिव का हो, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलते हैं। इसको चार्ज बोलेंगे? नो नहीं। तो जिस तरह हम लोग ने पढ़ा था मैग्नेट में कि अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इज इट क्लियर? और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है,
लेकिन नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. इज इट क्लियर? यस सर. समझ में आया? यस सर. चला इरेज इट. यस सर. अविनाश. यस सर. अर्णव समझ में आया? अनीता, ज्योति. यस सर. इरेज कर दूं? यस. ग्रेविटी. ये बताने की जरूरत है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यस. ठीक है. सपोज सर ये भी बोल सकते हैं, मास है m1, ये एक मास है m2. सपोज करो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या होते हैं? d मान लो. तो क्या होगा? जो m1 है वो m2 को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली m2 क्या करेगा? m1 को अट्रैक्ट करेगा. इज इट क्लियर? यस. मैंने क्या बोला? m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा. हम लोग क्या बोल सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है? इज इट क्लियर? यस. अब इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, वन टू, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन एम वन बाई टू. इज इट ओके? इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन टू बाई वन. इज इट क्लियर? दोनों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा. और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? जी product of mass, that is m1 m2 upon distance ka square. Is it clear? Aur isi force ka naam hai gravitational force. Jahan pe g ko bolte hain gravitational constant. Kya bolte hain isko? Gravitational constant. Aur iska jo u, ye batao variable hai ya fix? फिक्स है. इसका वैल्यू क्या है? हर जगह 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है. इज इट क्लियर? ठीक है. देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस करेगा? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास. इज इट क्लियर? ये देख रहे हो, ये क्या है? m1 m2. अगर इस मास के प्रोडक्ट को चेंज कर दो, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा? यस सर. यस, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ज्योति कुमारी. यस सर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रणाम. जो एक दूसरे को अटैक करता है ऐसा कुछ नहीं होता है. अर्णव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यस सर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सचिन. यस सर. क्या होता मतलब सर?
एक चीज अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यस yes. ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 विल इंक्रीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो इंक्रीज। इफ द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 विल डिक्रीज देन दिस क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज। दैट मींस इफ दिस विल इंक्रीज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इंक्रीज। इफ द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 विल डिक्रीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल आल्सो डिक्रीज। Is it clear? Yes, I pretend force. Is it clear? Yes. Now, जो gravitational force होता है वो एक और quantity पे depend करता है। वो किस पे? Distance के square पे। But distance के square पे कैसा dependency है? Inversely proportional का। इस चीज को बोलते हैं gravitational force is inversely proportional to square of distance between two mass. Is it clear? अब inversely का मतलब क्या होता है? अनीता कुमारी, अनीता कुमारी, inversely का मतलब क्या होता है? पंडित जी, क्या होता है inversely का मतलब? सर चेंज हो जाना। भाई चेंज तो यहाँ भी हो रहा है सर, उसका अपोजिट। अपोजिट क्या होगा? अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मेरा ये एफ जी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। अगर हम लोग डिस्टेंस को घटाएंगे तो मेरा ये एफ जी घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ मास सिर्फ मास मत बोल देना, प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस के स्क्वायर पे। और जो प्रोडक्ट ऑफ मास है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? और ये जी क्या है? कांस्टेंट है, इट विल नेवर चेंज। अब देखो सर नहीं आ रहा। हां आ रहा। देखो ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इस दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन g स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं। हाँ जी, अब देखो इस साइन को रिमूव करो, इसको रिमूव करेंगे और इसके जगह क्या करेंगे? एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सचिन म्यूट कर लो, इग्नोर है। और इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻¹¹. किसी कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। किसी कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। ज्योति कुमारी, सचिन, अनीता, कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? फिर से पूछा दीजिए सर। क्या चीज? कहां से बेटा? देखो मैंने क्या बोला, देखो यहां देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो,
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, इस तरह से इस दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ इस तरह से? यस सर। अब देखो इस साइन को रिमूव करते हैं ना तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं इसके जगह पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया इस साइन को रिमूव करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इज इट ओके? यस सर। अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एक चीज ये बताओ अविनाश। यस सर। अविनाश कुमार और अर्णव किशोर, आपके अविनाश के पास भी मास है, अर्णव किशोर के भी पास मास है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोल रहा है? अगर दो पार्टिकल के बीच में मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि अर्णव और अविनाश का जो प्रोडक्ट ऑफ मास है वो बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पे देखो क्या टर्म है, 10⁻¹⁻ है। इज इट ओके? इसलिए क्या होता है ये जो फोर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग के लिए क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। लेकिन जब प्लेनेट हो, मानो ये सन है और ये अर्थ है, अब इस दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। देखो अर्थ का मास कितना है, 5.567 ऐसे कुछ है × 10⁻²⁴ kg। अब ये इसको कंपनसेट कर देगा, इसलिए जो भी प्लेनेटरी सिस्टम होता है उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन हम लोग के बीच में चाहे कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास बहुत ही स्मॉल होता है, जिससे ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। इज इट ओके? बट इन द केस ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंसीडर। इज इट क्लियर? यस। कैन आई इरेज इट? यस सर। यस सर। इसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? इज दिस ए फोर्स? प्रेशर इज ए फोर्स? यस सर। नो। दिस इज नॉट द फोर्स, this is called the force per unit area. What is pressure? Force per unit area. और फोर्स भी किस टाइप का फोर्स होना चाहिए? थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स किसको बोलते हैं? मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर मान लो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट ओके? यस सर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है? थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया है। सपोज करो ये एक एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यस। अब इस पे मान लो कि एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जो कि मानो F1 है, तो प्रेशर क्या हुआ, ये फोर्स क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है। यस सर। परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। सपोज करो यहां देखो सब,
कुछ दिख रहा है? ये मेरा फोन yes, सर. ये फोन yes, दिख रहा है? इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको रख देता हूँ. अभी क्या है, ये मार्कर क्या कर रहा है, इस फोन के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है. yes, sir. तो इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं. और यही थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जब इस एरिया मोबाइल के स्क्रीन का एरिया पे लग रहा होगा, इस वाले एरिया पे लग रहा होगा. yes, sir. ये जहां पे देखो इस एरिया पे लगा ना, तो इसको yes, sir. बोलते हैं प्रेशर. क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. तो यहां से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर F1 अपॉन एरिया. यूनिट क्या होगा प्रेशर का, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. क्या चीज का, एरिया का, मीटर स्क्वायर. मीटर एरिया स्क्वायर. तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर, किसी को डाउट? नो सर. तो हमेशा याद रखना कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए. ठीक है, परपेंडिकुलर. अब देखो परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर. और जितने एरिया पे लगता है, अब ये बताओ इस पे मान लो ये फोर्स लग रहा है F, और इस सरफेस पे लग रहा है F. ठीक है, अब बताओ दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, yes, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा या इस सरफेस पे ज्यादा प्रेशर होगा, स्मॉल पर. स्मॉल पे. तो हमेशा याद रखना जिस सरफेस स्मॉल हो उस पे क्या होंगे, प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेंगे एज कंपेयर टू लार्जर सरफेस. इट क्लियर? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Pressure equal to क्या लिखें सर? Thrust force upon area. FT upon area. Yes. किसी कोई डाउट? No, sir. Pressure unit equal to FT by area. Pressure बराबर होता है FT अपॉन एरिया. यहाँ पे पढ़ो थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं. इस टर्म को हम लोग प्रेशर बोलते हैं. और इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज इट ओके? यस सर. समझ में आया कि नहीं? यस सर. यस सर. तो अगर ज्यादा एरिया पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा. अगर स्मॉलर एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा. कभी देखियो किसी पाइप के नोजल को, आउटलेट को, जब उसके एरिया को डिक्रीज करते हैं तो उसमें हाई जेट के साथ पानी बाहर आता है. यस सर. क्या सर? नल है ना घर में? यस सर. मोटर का पाइप सर. हाँ, मोटर के पाइप को क्या करना, उसका जो आउटलेट उसको थोड़ा दबा देना सर. दबाते ज्यादा दूर पानी जाता है. दबा है सर, पानी इधर उधर जाने लगता है. अरे इधर उधर नहीं, बहुत तेजी से ज्यादा दूर जाता है. यस सर. ज्यादा दूर तक जाता है. यस सर. देखियो पंडित जी, करके देखना. ठीक है, करके देखेंगे. तो हमेशा याद रखना जहां पे एरिया कम होंगे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा. इज इट ओके? यस सर. प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
ठीक है यस सर। और ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होगा, थ्रस्ट फोर्स होगा, कोई दूसरा फोर्स नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा? थ्रस्ट फोर्स होगा। इज इट ओके? थ्रस्ट फोर्स। अब एक होता है फ्लूइड प्रेशर सर, अब क्या होता है? फ्लूइड प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। जैसे एयर है, एयर हम पे क्या कर रहा है? एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो एयर के द्वारा क्या होगा? एक प्रेशर एग्जर्ट किया गया किस पे? हम पे। अब देखो ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ये क्या अर्थ सरफेस है ना? यस। अब इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। यस। तो अब मानो अर्थ सरफेस जो ऑब्जेक्ट होगा, और एटमॉस्फेयर किससे मिल बना हुआ है? एयर एंड गैस से और डस्ट पार्टिकल से। हाँ जी यस सर। एंड वाटर। यस सर। अब ये एयर एंड डस्ट पार्टिकल क्या करेगा? इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यस सर। अर्थ के ऊपर। ये क्या है? अर्थ के ऊपर, या अर्थ के ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यस सर। तो ये क्या है? एक फ्लूइड प्रेशर है। क्यों? क्योंकि एयर के द्वारा हम लोग पे एग्जर्ट किया जाता है। इज इट ओके? सर आवाज नहीं आ रहा। बेटा आवाज आ रहा है तुम्हारा? समझ में आ रहा है? देखो जो प्रेशर एयर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर? यस सर। ये बताओ अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये प्रेशर डिक्रीज होगा या कम होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा सर, डिक्रीज होगा। सिंपल देखो, तुम्हारा तुम्हारा हाथ यहाँ पे है, ठीक है? इज इट ओके? यस। और तुम्हारे हैंड के ऊपर इस तरह से बुक रखा हुआ है, बुक नंबर वन, बुक नंबर टू, बुक नंबर थ्री, बुक नंबर फोर। इज इट ओके? यस सर। अभी बताओ तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? चार बुक का प्रेशर है। यस सर। अब क्या करो, यहां से एक बुक हटा दो या एक बुक थोड़ो, अपने हाथ को इस जगह से हटा के यहाँ पे लगा दो। अधिक तुम प्रेशर महसूस करोगे अपने हाथ पे या पहले महसूस करता? सर क्या? अपने हैंड को इस जगह से निकाल के और इस एक बुक के ऊपर लगा दो तो अब प्रेशर अधिक होगा तुम्हारे हाथ पे क्या क्या पहले होता था? नहीं आया समझ में? सर अब ज्यादा होगा, काम होगा, ज्यादा होगा। बेटा कैसे? अभी तीन ही बुक का प्रेशर है तुम्हारे पर, प्रेशर कम हो जाएगी तुम्हारे हाथ पे। और सर बुक को लगाना, ऊपर लगा हाथ लगाना? नहीं, अपने हाथ को यहाँ से बाहर कर लो और अपने हाथ को यहाँ पे ले आओ। अभी क्या होगा? तुम्हारे हाथ के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगी। यस सर। यस सर। इसी तरह जब तुम एयर में हो, अगर तुम यहाँ पे आ जाते हो अब तो इतना ही एयर प्रेशर एग्जर्ट होगा ना। यस सर। तो इसलिए हाइट इंक्रीज करने के साथ क्या होता है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज करता है। और एटमॉस्फेरिक होता क्या है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर। इज इट ओके?